अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ डबल डेकर चीज़ी पराठा। बहुत डिफरेंट सा पराठा है लेकिन बहुत टेस्टी पराठा है। इसकी टू लेयर्स होंगी, एक लेयर में हम चिकन ऐड करेंगे और एक लेयर में हम चीज़ ऐड करेंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो की तैयारी कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डो के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें 2 कप है आटा, 4 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 3 से 4 चम्मच दूध के और नीम गरम पानी। सबसे पहले हम आटे को एक बाउल में डालेंगे जो हमने लिया था 2 कप। फिर हम मैदे को डालेंगे जो हमने लिया था 4 कप। साथ में नमक डाल देंगे, साथ में चीनी और इन खुश्क अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में मैं दूध डाल दूंगी और फिर इसको मिक्स करेंगे और साथ में पानी डालूंगी। पानी आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ज़्यादा गर्म पानी मत लीजिएगा, आपके हाथ जल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम साथ साथ डालते रहेंगे और इसको अच्छे से गूंदते रहेंगे जैसे आप रेगुलर आटा गूंथते हैं। हमें सेमी सॉफ्ट डो चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए। अब जो है इसमें साथ ही मैं 1 टीस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल का ऐड करूँगी। आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से गूंदेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको अच्छे से गूंदने के बाद कम से कम हम जो है इसको आधा घंटा से घंटा के लिए, आधे घंटे से घंटे तक के लिए रखेंगे सेट होने के लिए इसकी डो को। अब हम चिकन की स्टफिंग के लिए चिकन लेंगे 800 ग्राम, ऑनियन लेंगे मीडियम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला, ज़ीरा, धनिया कुटा हुआ, नमक, कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च, चीज़ चाहिए हमें चेटर, मोज़रेला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च, ये हमें चीज़ स्टफिंग के लिए चाहिए। अब हम चिकन की तैयारी शुरू करते हैं। हम एक कुकर में 800 ग्राम चिकन लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, अनियन मैंने मीडियम लिया है चॉप्ड और ये तमाम अज्जा मैंने डिटेल में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो है रेसिपी डिटेल में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब हम पानी डालेंगे गलने के लिए। पानी तकरीबन आप 1 ग्लास ले लीजिएगा। अब इसको मैं वेट लगा दूंगी और गलने के लिए कम से कम 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट्स के बाद इसको आप खोल के देख लीजिएगा। अब मैंने इसको 10 मिनट्स के बाद खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि मीट कितने अच्छे से गल गया है। मैं कोई मैशर ले लूँगी और मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है लेकिन हमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, इसलिए हम हाई फ्लेम पर पानी को ड्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ इसका पानी ड्राई हो रहा है और हमें बिल्कुल ड्राई वाटर चाहिए, इसलिए हम हाई फ्लेम पर इसके पानी को खुश्क कर लेंगे और साथ साथ मैशर के साथ आप इसको मैश करते जाएं ताकि हमें अच्छे से इसका रेशा मिले। अब हम आते हैं चीज़ स्टफिंग के लिए, जिसके लिए मुझे चाहिए चाटर चीज़, मोज़रेला चीज़। इसको मैं ग्रेटर के साथ अच्छे से जो है ग्रेट कर लूँगी। चीज़ की क्वांटिटी, हर चीज़ की क्वांटिटी नीचे मैंने दी हुई है, आप वहाँ से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा इंस्टा का पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करें।
अब मैं चॉप लूँगी ग्रीन चिली 1, चॉप्ड पुदीना और चॉप्ड धनिया। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुटी लाल मिर्च भी साथ में ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक 1 पिंच। ये तैयार हो गई हमारी चीज़ स्टफिंग। अब हमने जो आधा घंटे के लिए आटा रखा था उसको जो लेंगे और उसको एक दो दफ़ा दोबारा जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम छोटे से 3 पेड़े इक्वल साइज़ में लेंगे और उनकी अच्छे से बॉल्स बना लेंगे। इस क्वांटिटी में आपके 6 से 7 पराठे आराम से बन जाएंगे। आपने इसको अच्छे से गोल शेप बना लेनी है और 3 इक्वल क्वांटिटी के पराठे बॉल्स बना लीजिएगा। देखें 3 मैंने बना ली हैं, ठीक है। अब इसको मैं रोल करूँगी और छोटे साइज़ की 3 अदद चपातियाँ रोल कर लूँगी। साथ साथ मैं आप लोगों को कहूँगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें। आई होप आपको मेरा ये पराठा जो है वो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आएगा और इंशाल्लाह आपके मेन्यू में एक ये नया एडिशन होगा। आपकी मोहब्बत की, आपकी सपोर्ट और आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। अब मैं एक रोटी लूँगी, उसके ऊपर चिकन स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद मैं फिर दूसरी रोटी लूँगी और इसको इसके ऊपर कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं इसके एजेस को प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छे से स्टील हो जाए। उसके बाद मैं चीज़ स्टफिंग लूँगी और वो इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। मैंने थोड़ी ली है क्योंकि मुझे चीज़ इतना नहीं पसंद, आप ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म की स्टफिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की कर सकते हैं, कीमे की कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैं फिर इसको प्रेस करके स्टील करूँगी ताकि ये इसकी स्टफिंग स्टील हो जाए और फिर मैं इसको खुश्क आटे में जो है कोट करके दोबारा रोल करूँगी। आप चारों तरफ से अच्छे से इसको बेलें ताकि कहीं से मोटा पतला ना रह जाए, इक्वल हो हर जगह से। अब मैं इसको जो है ग्रिडल के ऊपर डाल दूंगी। आप कोई सा भी नॉर्मल ग्रिडल ले लें, नॉन स्टिक ले लें, कोई सा भी तवा ले लें जो हो। उसके बाद एक तरफ से अच्छे से पका के मैं इसको टर्न करूंगी। टर्न करने के बाद इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी। आप ऑलिव ऑयल, देसी घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्रश की मदद से लगाया है, आप स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। एक तरफ घी लगाने के बाद मैं जो है इसको इसकी टर्न चेंज पलट दूंगी, इसको टर्न कर दूंगी और फिर दूसरी तरफ हल्का सा ऑयल ब्रश की मदद से दोबारा लगाऊंगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। नॉर्मल टू मीडियम जो है इस फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, इससे ये जल जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसका आ चुका है। खाने में भी बहुत मज़े का है, बहुत इजी है बनाना। अब ये ऑलमोस्ट पक चुका है और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और डिश आउट करने के साथ साथ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, साथ साथ बोलूँगी आई नीड योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। अभी हमारा बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको जो है डिश आउट करने के बाद 4 पीसेज में कट कर लूँगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखें, उसको सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।